ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन समय पर, अमृत समय पर आज हम प्यारे बाप दादा से मंगल मिलन मनाएंगे। आज बाबा से भरपूर आशीर्वादें लेंगे। वैसे संगम युग है ही ब्लेसिंग का युग। ये है परमात्म आशीर्वादें प्राप्त करने का युग। महान युग स्वयं शिव बाबा हमारे हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ बोल, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हमें आशीर्वाद देते हैं और इसी आशीर्वाद से भाग्य की वृद्धि होती है। तो आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले, सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, भाग्य नियंता, सृष्टि नियंता की मैं संतान हूं। तो चलिए आज हम नए दिन के उपलक्ष्य में बधाइयां लेने के लिए हम सभी स्वयं को सूक्ष्म रूप से मधुबन ले चलते हैं और बाप दादा के सन्मुख अनुभव करते हैं। और प्राण प्रिय बाप दादा से नए साल की बधाइयां लेते हैं। सभी ने हैप्पी न्यू ईयर का, लेकिन हम आप सभी के लिए सदा दुनिया के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर किया, लेकिन संगम युग का हर दिन हमारा उत्सव है, सदा उत्सव रहता है, क्योंकि उत्सव रहता है संगम युग का। हैप्पी संगम युग है। तो आप सभी को बहुत 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 बड़ी
मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे नया मनुष्य वैसे नए संस्कार, पुराने संस्कार को विदाई और नए संस्कार का आगमन। इसीलिए सदाई हर्षित है और सदाई हर्षित रहेंगे। हमारे लिए, आपके लिए हर वर्ष कल्याणकारी है, आगे बढ़ने बढ़ाने वाला। इसलिए सदा हैप्पी 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 हैप्पी। बाबा से बधाइयां लेने के बाद बहुत सुंदर स्वमान में स्थित हो जाते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता भोलेनाथ, सुखों के सागर, आनंद के सागर, शिव बाबा की मेरे मस्तक पर भाग्य के किरणों की बरसात हो रही है। देखते रहे उस भाग्य के किरणों की बरसात को। स्वयं भोलानाथ मुझ पर प्रसन्न होकर भाग्य के किरणों की बरसात कर रहे हैं। कुछ पल तक इसी स्वमान में स्थित रहे। ये भाग्य की किरणें मेरे भाग्य के एक एक द्वार को खोल रही है। सबसे पहला द्वार शांत और सकारात्मक मन। मेरा मन बहुत खुश है, शांत है।
दूसरा भाग्य का द्वार खुल रहा है। संपूर्ण स्वस्थ शरीर, तीसरा भाग्य का द्वार खुल रहा है। लक्ष्मी नारायण जैसे धनवान, संपत्तिवान, जन्म जन्मांतर मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं बहुत संपत्तिवान हूं, चौथा भाग्य प्यार करने वाले भरपूर रिश्ते परिवार से संपन्न, पांचवा भाग्य जन्म जन्मांतर राज्य भाग्य, राज्य भी है लेकिन उस राजाई का संपूर्ण सुख का भाग्य भी है। उसके बाद भरपूर मान सम्मान और कीर्ति हर जन्म में, उसके बाद हर जन्म में परमात्मा की सुरक्षा का चक्र, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझ भाग्य के सितारे से ये भाग्य की ऊर्जा, भाग्य का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। भाग्य के सूरज के भांति देखे इस दृश्य को, टिक जाए इस दृश्य में,
मैं भाग्यवान आत्मा जहां भी कदम रखती हूं वहां पदम खिल जाते हैं। देखो इस दृश्य को, उस स्थान का कल्याण हो जाता है। उस स्थान का भला हो जाता है। मैं भाग्यवान आत्मा जिसे भी याद करती हूं उसके संकट दूर हो जाते हैं। मुझ भाग्यवान सितारे की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां की सृष्टि सुंदर हो जाती है। मेरे मुख से जो बोल निकलते हैं वो आशीर्वचन हो जाते हैं। मैं जो कर्म करती हूं वो यादगार बन जाता है। गायन योग्य बन जाता है, पूजनीय योग्य बनता है। अभी इस सुंदर स्वमान का अभ्यास करने के बाद चले सूक्ष्म वतन में माता पिता से पावरफुल स्नेह भरी दृष्टि लेने, उनसे वरदान लेने। मैं भाग्य का सितारा इस शरीर रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर सूक्ष्म प्रकाश की काया धारण कर फरिश्ता बन मैं उड़ रहा हूं सूक्ष्म वतन की ओर। देखे मैं फरिश्ता आसमान में, आसमान से भी पार, सफेद प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करता हूं। जहां हजारों चांदनी सा दूध सा प्रकाश फैला है, असीम शांति है यहां।
मैं स्वयं को फरिश्ते के रूप में देख रहा हूं। सफेद प्रकाश का सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए मैं आत्मा माना फरिश्ता। मेरे प्रकृति में भाग्य का सितारा चमक रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता है। नैनों में रूहानी प्यार है और मुझ फरिश्ते के चारों ओर प्रकाश का एक ऑरा है। मैं फरिश्ता यहां पहुंचा हूं। माता पिता से वरदान लेने, आशीर्वाद लेने, मंगल मिलन मनाने, और सामने देख रहा हूं फरिश्तों के राजा सफेद प्रकाशधारी ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, जिनकी भ्रुकुटी में बैठे हैं सर्वशक्तिवान महाज्योति शिव बाबा। वो देखो मात पिता का कंबाइंड रूप नैनों से मुस्कुराते हुए ब्रह्मा मां मेरे सन्मुख आ रहे हैं। अपने दोनों बाहें फैलाते हुए जैसे नैनों से कह रहे हैं, आओ मेरे फरिश्ते, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ आओ मेरे सिकिलदे बच्चे, आओ। और मैं फरिश्ता खींचा हुआ ब्रह्मा मां की बाहों में समा जाता हूं एक बालक की तरह। बस बाबा और मैं, मेरा बाबा और मैं,
और अब मैं फरिश्ता बाबा से, ब्रह्मा मां से दृष्टि ले रहा हूं। ब्रह्मा मां शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। जैसे दृष्टि से सारा वर्षा दे रहे हैं, कुछ पल बाबा की दृष्टि साइलेंस में लेते रहो। बाबा से अपने दिल का शुभ संकल्प, अपने पुरुषार्थ का, तीव्र पुरुषार्थ का शुभ संकल्प बाबा के सामने रखो। मीठे बाबा, मुझे तो आपको प्रत्यक्ष करना है, मैं आपका साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त बन जाऊं, आप जैसे दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की मूर्त बनूं। मेरे हाथ से करोड़ों आत्माओं को सुख शांति मिले, करोड़ों आत्माएं आपसे जुट जाए, ये सेवा होती रहे। ब्रह्मा मां मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए मुझ फरिश्ते को तिलक लगा रहे हैं।
विजयी भव। अविनाशी तिलक। और मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, बहुत प्यार से मीठे बच्चे, सदा सफलता मूरत भव। फील करे बाप दादा का वो वरदानी हाथ, उस वरदानी हस्त से वो सारी शक्तियां जैसे मुझ आत्मा में, मुझ फरिश्ते में समा रही है, कुछ पल तक इसी वरदान की शक्तियों की अनुभूति करे, उस वरदान की दिव्य ऊर्जा मुझ फरिश्ते में समाकर मेरे चारों ओर मेरी शक्तियों को बढ़ा रही है। बाबा दूसरा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, मास्टर विघ्न विनाशक भव। कुछ पल तक इस वरदान की शक्तियों की अनुभूति लेते रहे, करते रहे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे मेरी सारी शक्तियां भरपूर हो रही है बाबा की शक्तियों से, जैसे मैं फरिश्ता
शक्तियों के उस प्रकाश में हूं, चक्र में हूं। और बाबा को शुक्रिया कहता हूं, शुक्रिया मेरे बाप दादा मात पिता, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा के ये वरदान, माना आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद से असंभव संभव हो जाता है, सहज स्वतः मदद मिलती है। बाबा की विशेष मदद का अनुभव करते हैं, बाबा के ये वरदान एक कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव कराते हैं। सदा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कराते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा के ये वरदान प्राप्त कर मात पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के इस कंबाइंड स्वरूप से आशीर्वाद प्राप्त कर अब मैं फरिश्ता लौटता हूं सूक्ष्म वतन से, नीचे उतरता हूं और सारे संसार को, सारी पृथ्वी को मैं सकाश दे रहा हूं। सर्व शक्तियों की सकाश भेज रहा हूं। मुझ फरिश्ते के भ्रुकुटी से, नैनों से, हस्तों से और मेरे पूरे इस प्रकाशमय शरीर से शक्तियां
और सुख की किरणें, शांति की किरणें सारे संसार में फैल रही है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है।
हम प्यार पिता का पाते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान।